मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा फ्रॉम मैथ्स क्लासेस. स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 18C आर एस अग्रवाल बुक. चैप्टर नेम इज मीन, मोड एंड मीडियन. ओके, इन आर प्रीवियस वीडियोज वी हैव सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन एज वेल एज मीडियन. ओके, so in this video we will solve a new type of question in which we have to find out the mode. Okay, mode of the following frequency distribution. So in this type of question, students, we are given with table and we have to find out the mode. Okay, हमें mode निकालना है. So student, mode का मतलब क्या होता है? तो mode क्या है? Mod is a number which appears most frequently in a given distribution. Okay, that means students, mod kya hai? Ek aisa number hai jo ki bahut baar repeat ho raha hai. Sabse jyada baar jo number repeat hoga, us number ko hum kya bolenge ki ye us jo data hai uska kya hai? Ye mod hai. Jaise suppose students, main aapko ek example deti hu jo ki aap previous lower classes mein padh chuke hain, 9th mein, even in 6th 7th you have स्टडीड इट. ओके, ऑलरेडी. सो सपोज स्टूडेंट, आपके पास में नंबर है 1, 2, 3 कॉमा. ओके, दीज आर ऑल सेपरेटेड बाय कॉमा. 4, 4, 4, 5. सो स्टूडेंट्स, अगर हमें इस डेटा का मॉड निकालना है तो इस डेटा का मॉड क्या होगा स्टूडेंट्स? 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है? बहुत बार रिपीट हो रहा है. सो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट होता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मॉड बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पे आपका मॉड क्या है? 4, बिकॉज इट अपीयर्स फ्रिक्वेंटली इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा. ओके, सो ये बहुत बार रिपीट हो रहा है इसलिए हमने इसे क्या बोलते हैं कि 4 इज़ अ मॉड ऑफ दिस डेटा. बट स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है? अब क्लास 10th में आपको एक टेबल दी हुई रहेगी. टेबल दी हुई है, उसमें आपको क्लास दी हुई रहेगी, फ्रिक्वेंसी दी हुई होगी और आपको उसका मॉड निकालना है. तो किस तरीके से निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगी. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में. यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है. सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपके ये समझ में आ जाए कि आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में. ओके, किस तरीके से आपको सिस्टमैटिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले मैं आपको मॉड का फॉर्मूला बताती हूँ स्टूडेंट्स. मॉड का फॉर्मूला आप कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं या स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं. ओके, सो कैपिटल एम इज इक्वल्स टू वॉट? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो और होल अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h. h हमारा वही सेम है स्टेप साइज़ या फिर क्लास साइज़ जिसे हम निकालते हैं. अपर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास से निकालते हैं. सो h तो हमें जो हम मीन में निकालते थे, मीडियन में निकालते थे, वही सब चीज़ें हैं. l भी हमारा वही है जो हम मीडियन में निकालते थे. ओके, l क्या था आपका? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास किस तरीके से निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, तो यहाँ पे l क्या है? l इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. f0, f1 और f2 क्या है ये मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स. f1 क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे f1 इज़ द मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है. ओके, f1 इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. जो भी आपकी मॉडल क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? f1. ओके, दिस इज f1 और f1 के जस्ट पहले वाली फ्रिक्वेंसी. ओके, f1 के जस्ट पहले वाली फ्रिक्वेंसी को हमने बोल दिया f0. दैट मीन्स जो मॉडल क्लास है उसकी जो प्रिसीडिंग क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी को हमने किससे बताया? f0 से बताया. और जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट बाद वाली क्लास की जो सक्सीडिंग क्लास है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसे हमने किससे बताया स्टूडेंट्स? F2 से डिनोट किया है. ओके, कहीं कहीं आपको स्टूडेंट्स FK इस तरीके से शो होता है कि यहाँ पे आप FK लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं K-1 और यहाँ पे हम लिख देते हैं K+1, इस तरीके भी शो होता है. लेकिन अभी आपको मैं F1, F0, F2 से शो करके बता रही हूँ फॉर्मूला. इट डिपेंड्स कि आप एक फॉर्मूला पकड़ के रखें, इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, डिनोशन आप सेम रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ओके, सो यहाँ पे F1 क्या है? F1 इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F0 इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी. F2 क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. दैट मीन्स जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट बाद वाली
क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसे हम F2 बोल रहे हैं। ओके नाउ स्टूडेंट्स, मैं H बता देती हूँ। H आपकी क्लास साइज है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। इसे H किस तरीके से निकालते हैं? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट से निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, उसकी जो फर्स्ट क्लास थी वो 10 से लेकर 20 तक थी। ओके 10 से लेकर 20 तक क्लास थी, तो इसका एच किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स? अपर क्लास लिमिट 20 माइनस लोअर क्लास लिमिट, दैट मीन्स 10, 20 माइनस 10, तो एच कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 10 आ जाएगा। ओके सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हमने क्या देखा? हमने फॉर्मूला स्टडी किया कि मॉड का फॉर्मूला क्या होता है। ओके उसके सारे डिनोशंस देखे कि जो फॉर्मूला है उसका मीनिंग क्या है, उसमें जो टर्म्स यूज़ की हैं वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी हमें जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में हमें सबसे पहले क्या निकालना है? हमें सबसे पहले देखना है कि मॉडल क्लास कौन सी है। ओके सो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम मॉडल क्लास किस तरीके से देखेंगे? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, ओके जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपके क्या होगी? मॉडल क्लास होगी। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 45 सबसे बड़ा नंबर है फ्रिक्वेंसीज में। ओके फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 45। तो 30 से 40 वाली क्लास आपकी कौन सी हो जाएगी? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। ओके तो 30 से 40 आपकी मॉडल क्लास हो गई। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप इसे रीड करके देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और उसको रीड करें। ओके 30 से 40 वाली आपकी क्लास क्या है? मॉडल क्लास है। अब फॉर्मूले में स्टूडेंट्स, आपको L की रिक्वायरमेंट होती है। L क्या होता है? L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 30। तो L कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे 30 हो जाएगा। ओके H मैं आपको बता चुकी हूँ, H कितना था आपका? 10 था। ओके H इज़ द क्लास साइज, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें F1 की रिक्वायरमेंट होती है। F1 क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है? जो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 45 है। तो यहाँ पे F1 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये F1 इज़ 45 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, आपको F0 की रिक्वायरमेंट होती है। F0 क्या है? मॉडल क्लास की जस्ट पहले वाली फ्रिक्वेंसी, दैट मीन्स 35। तो यहाँ पे F0 कितना हो जाएगा? 35। तो ये F0 इज 35। नाउ स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूले में F2 की रिक्वायरमेंट होती है। F2 किस तरीके से निकालेंगे? जो आपकी मॉडल क्लास है उसके जस्ट बाद वाली फ्रिक्वेंसी, दैट मीन्स 25। तो F2 कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? 25। ये F2 इज 25। ओके आप वीडियो को पॉज करें, अच्छे से इसे रीड कर ले, क्या क्या इसमें मैंने प्रिंट में आपको, मतलब कि जो आपका स्लाइड उसमें क्या क्या लिखा उसे आप रीड कर लें, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ओके नाउ स्टूडेंट, दिस वॉज द आर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ। ओके तो ये आपका जो मेन फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, मेन फॉर्मूला आपका ये था। ओके नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया? वैल्यूज पुट अप करना स्टार्ट किया। L आपका 30 था, L की जगह पे 30 रखा। F1 माइनस F0, F1 आपका 45 था, F0 आपका 35 था। 2F1 रखना है, 2F1 45 इंटू टू कितना हो जाएगा? 90। ओके तो ये यहाँ पे लिखा 90। F0 इज 35 एंड F2 इज 25। ओके सब जस्ट फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट अप करी, H की जगह पर 10 रखा। कैलकुलेशन करें, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 45 में से 35 जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना बचेगा आपके पास में? ये 10 आएगा। और इन सबको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 माइनस 35 माइनस 25 जब आप करेंगे, तो यू विल गेट 30। और इनटू में ये एच 10 चल ही रहा है, ये 30 से ये 10 कट जाएगा। ओके तो आपके पास में कितना बचा? 10/3 बचा। जो 10/3 जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 3.33 आएगा। ओके आप 30+3.33 करेंगे तो 33.33 आ गया। ओके तो ये यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन करी है। कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बट स्टिल आप कॉपी पेन में से सॉल्व करने की खुद कोशिश करें, ताकि आपको आपके मिस्टेक्स पता चले। ओके सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो हमारी जो क्लास थी स्टूडेंट्स, उसका मॉड कितना आया? 33.33। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड 33.33 आ गया उस टेबल का, जो कि हमें डेटा दिया हुआ था? इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, कि आपका जो ये नंबर है 33.33, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ओके 33.33 बहुत बार रिपीट हुआ होगा, इसलिए उस जो अपनी क्लास दी हुई थी, जो आपको टेबल दी हुई थी, उसका मॉड कितना आया? 33.33। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी मॉडल क्लास क्या थी। आपकी मॉडल क्लास क्या थी स्टूडेंट? 30 से 40 थी। ओके 30 से 40 वाली क्लास आपकी मॉडल क्लास थी। तो स्टूडेंट्स, अब आपका जो मॉड होगा, ओके जो मॉड होगा वो इसी क्लास के बीच में लाई करेगा। ओके यदि आपका मॉड
इसी क्लास के बीच में जो नंबर आएगा वो इसी क्लास के बीच में आना चाहिए। अगर इस क्लास के बीच में आ रहा है दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, ओके। लेकिन सपोज अगर आपका आंसर आ जाता 45.55, ओके, 45 आ जाता, 46 आ जाता, या इवन 41 या 42 हो जाता, तो आपका आंसर रॉन्ग होता। कैसे रॉन्ग होता? क्योंकि ये मॉडल क्लास के बीच में नहीं आ रहा है, ओके। मॉडल क्लास तो 30 से 40 के बीच में थी, सो आपका आंसर भी 30 से 40 के बीच में ही आना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, ओके, क्योंकि ये आपकी मॉडल क्लास थी, ओके। तो इसका मीनिंग ये है, 33.33 बहुत बार रिपीट हो रहा है, सो इट इज़ द मॉड ऑफ द गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। एज यू कैन सी हियर, दिस क्वेश्चन केम इन 2013, सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, फॉर योर एग्जाम्स। सो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट अस सी हियर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक विच नंबर इज ग्रेटेस्ट अमंग द फ्रिक्वेंसी, ओके। जो फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, विच इज 28। सो 40 से लेके 60 वाली जो क्लास है स्टूडेंट्स, इट विल बी योर मॉडल क्लास, ओके। 40 से 60 वाली आपकी क्लास जो होगी मॉडल क्लास हो गई। यहीं पर हम एच निकाल लेते हैं। एच किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, आप कोई सी भी क्लास ले लें, उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लें। तो एच हमने कर लिया 20 माइनस 0, ये वाली मैंने क्लास ली फर्स्ट क्लास, तो एच कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ओके, एच विल बी 20। सो स्टूडेंट्स, हमारी मॉडल क्लास कौन सी हो गई, 40 से लेकर 60 वाली, ओके। अब स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, एल फाइंड आउट करना है, तो एल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब हमें F1 चाहिए, F0 चाहिए और F2 चाहिए, ओके, F0 और F2। तो F1 क्या है, जो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है वो आपकी क्या है, वो आपकी F1 है, ओके। तो ये F1 कितना आ गया, 28 आ गया। F0 क्या है, मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रिक्वेंसी, दैट मीन 16, तो ये 16 हो जाएगा, ओके। और फिर मॉडल F2 क्या है, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रिक्वेंसी, दैट मीन्स 20, तो F2 कितना हो जाएगा, 20 हो गया। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने जो भी हमें फॉर्मूलेस में नीड थी वो निकाल लिया। H हमारा 20 था, तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए थी, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, आप अच्छे से देख सकते हैं। स्टिल आपको डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो मॉड का फॉर्मूला था वो ये था। हमने क्या किया, ये जितनी भी वैल्यूज हमने जो ये फाइंड आउट करी है, ये सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट अप की। एल की जगह पे हमने रख दिया 40, ओके, एल की जगह पे 40 रखा, F1 माइनस F0 रखा, 28 माइनस 16 एंड 2F1, दैट मीन्स 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। सो यहाँ पे 56 आ गया, माइनस F0 इज 16 एंड F2 इज 20, और H कितना था आपका, 20 था। कैलकुलेशन करा, सिंपल सब्ट्रैक्शन किया, यू विल गेट दिस, ओके। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 20 से 20 कट जाएगा, आपके पास में बचा सिंपली 12, तो 40 प्लस 12 कितना आ गया, 52। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मॉड कितना आ गया स्टूडेंट्स, 52 आ गया। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको ध्यान हो तो हमारी मॉडल क्लास क्या थी, 40 से लेके 60 के बीच में मॉडल क्लास थी। सो और हमारा जो मॉड आया है 52, वो भी क्या है, इस क्लास के बीच में आया, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है, ओके। और इसका मीनिंग क्या है कि 52 बहुत बार यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ये जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें 52 नंबर बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए हमारी मॉडल क्लास, इसलिए हमारा मॉड क्या आया, 52 आया, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊँगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं रियली आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और स्टूडेंट्स, यदि आपको स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी, ओके। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस, थैंक यू वेरी मच।